प्रूफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू। क्या एक दो के बराबर होता है? बताइए, एक दो के बराबर होगा? नहीं होगा, पक्का? करके देखें। देखो हम कर सकते हैं, चलिए देखिए। मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू b, ये हम मान लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, a को इधर भी a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a इंटू a क्या होगा? ए स्क्वायर, और इधर क्या होगा? a मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? यहाँ लिख लेना, अपॉन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a, ठीक है। कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, और इधर ए बी में भी बी स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, अपॉन सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर एट बोथ साइड्स। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरा क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से क्या करते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी गेट कैंसिल्ड, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू, ना ए इज इक्वल टू, सिंस ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज टू बी इक्वल्स टू बी एंड बी गेट कैंसिल, दैट इज टू इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ। प्रूफ हुआ? प्रूफ कैसा लगा? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ को जानने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सके मैथ्स के द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।